आवर चैनल फंकीनेस विद भावना। मैं आई हूँ आज किसी बहुत ही स्पेशल जने के पास। इनके पास बहुत अमेजिंग साड़ीज होती है, आप कलेक्शन देख के पागल हो जाओगे लिटरली, क्योंकि इनके पास स्टार्टिंग प्राइस है कहाँ से कहाँ तक 600 से लेके कितनी आपकी मैक्सिमम प्राइस है? 25,000। एंड मैंने लिटरली इनकी कलेक्शन देखी है, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई एम सो टेम्पटेड टू परचेज वन ऑफ क्या 10 ही खरीदूँ मैं शायद। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाय, मेरा नाम है पल्लवी और मेरे ब्रांड का नाम है पल्लवी लग्जरी साड़ीज। बेसिकली हमारा फोकस है कि जो आपका ट्रेडिशनल वर्क है जैसे कि हैंड एम्ब्रॉयडरी है, इसको प्रमोट करना। ये मेरा बेसिक काम है, मतलब साड़ी प्रमोट करना, क्योंकि इट इज़ अभी बहुत लोग नहीं पहन रहे साड़ी, तो बेसिक मेरा काम वही है। हाँ, जब इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया ना, तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि इनके पास कलेक्शन कैसी है, बट इन्होंने जब मेरे को बताया और इन्होंने वीडियोस भेजी, फोटोज भेजी, तो मुझे लगा यार नहीं यार, यहाँ तो जाके मुझे कलेक्शन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक वी शुड प्रमोट दिस। हम लोग इतना वेस्टर्नाइज कल्चर फॉलो करने लगे, ज़ारा, H&M वगैरह, कि हम भूल गए कि हमारे हैंडलूम वगैरह सॉर्ट ऑफ डेड होने लग गए ना। तो इन्होंने मुझे बोला है दिस इज अ कॉज ऑल्सो, मैंने कोविड के टाइम पे ही शुरू किया था, तो मेरे को लगता है कि हमें एज अ लाइक एज एन ऑडियंस, आप लोग या एज कस्टमर्स, यू कैन प्रमोट दिस बाय बाइंग दी साड़ीज ऑल्सो, वी कैन हेल्प दोज हैंडीक्राफ्ट वाले लोग। मैं आपको बेसिक से दिखाती हूँ, विल स्टार्ट विद दिस। मेरे पास जो बिल्कुल बेसिक है ना साड़ी भावना, वो 600 से शुरू हो जाती है। देखिए ये कॉटन साड़ी है, तो ये 600 की साड़ी है, इट्स द स्टार्टिंग प्राइस। ये आपका पल्लू का पोर्शन है। हाँ, पूरी साड़ी आपके, आप देखिए आपके, तो इसमें ब्लॉक प्रिंट है, ये ब्लॉक प्रिंट कहते हैं इसको। हाँ, इसको ब्लॉक प्रिंट कहते हैं, मतलब ये कि प्रिंटेड है, इट्स नॉट हैंड ब्लॉक्स। सो इफ यू लाइक वर्किंग, या फिर अगर आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर आप खुद कहीं कॉलेज वगैरह में पहनते हैं साड़ी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कॉटन हो गया आपका, और आपके पीस पोर्शन के आएंगे, और ये आपका पल्लू हो गया। तो ये पल्लू है, और जो नीचे ये वाला एरिया आपका, वो आपके प्लीट्स में आएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी नाइस। सो आज हम दोनों ने साड़ियाँ भी इसलिए पहनी है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई प्रेफर साड़ी रोहन भावना। हाँ, नहीं घर पे भी, लेकिन वेदर को देखते हो। अच्छा, हाँ, तो आप कभी भी देखेंगे मेरी फोटो, आप बगैर कभी भी साड़ी के बगैर मुझे नहीं देखेंगे। अच्छा, तो बेसिकली लोग मुझे जानते ही है कि साड़ी वाली है ये, मेरी बिल्डिंग में भी अभी मेरी दोस्त की है साड़ी पहनती है। अच्छा, 600 वाली साड़ी देखी, फिर आप ये देखें ये हैंडलूम साड़ी है, कलेक्शन में, क्योंकि आलिया भट्ट ने भी अभी जो मूवी नहीं आ रही रॉकी एंड रानी, उसमें बहुत ही कलरफुल साड़ियां पहनी है, तो इफ यू वांट टू फॉलो दैट ट्रेंड, हियर यू हैव वन कलेक्शन। ये सिर्फ 1350 रुपीज की, इसमें डिटेलिंग देखो, टैसल्स वगैरह भी है, देर इज ग्रीन वाला लाइन ऑल्सो गोइंग ऑन, बॉर्डर है बेसिकली, और उसमें बहुत सारे कलर्स बीच में भी हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट विद द ब्लाउज, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें रनिंग ब्लाउज भी है, तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्ट्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज पर योर प्रेफरेंस, आप इसमें देखिए ग्रीन है ये, इसमें फिर रानी कलर है, तो अपने हिसाब से बहुत ही हाँ प्रिटी कलर्स है इसमें। मेरे को ये ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो रानी पिंक वगैरह है, और इसमें बॉर्डर में भी कलेक्शन है। तो ये मटेरियल क्या है, लिनन कॉटन? नहीं नहीं, ये हैंडलूम कॉटन है, ये हैंडलूम कॉटन है, कॉटन है, तो ये इजी ब्रीजी है बेसिकली, समर या फिर मानसून सीजन के लिए बेस्ट है ये। देखिए जैसे ये साड़ी है, ये आपके कहते हैं जामदानी पैटर्न है, पर ये भी हैंडलूम पे सारा बना हुआ है। हाँ, आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे ये आपका पल्लू है। हाँ, ये ग्रीन कलर का। हाँ, और इसकी बॉडी बेज कलर की है। हाँ, और इस पर इतनी सारे कलरफुल बूटी है। हाँ, तो आप इस पर कॉन्ट्रा ब्लाउज भी डाल सकते हैं। हाँ, इसके साथ ब्लाउज नहीं है इस पर्टिकुलर पीस पे, तो आप इसका ब्लाउज कोई भी कलर का पहन सकते हैं, काला ही पहन सकते हैं, तो सभी के पास होता है, तो ईजी हो जाएगा। और ये क्या है ना, आप बस इजी वॉश करो साड़ी, मतलब हैंड वॉश, ये सब हैंड मशीन वॉश सॉर्ट ऑफ। नहीं नहीं, मशीन वॉश तो नहीं करना चाहिए, यू वांट कि आपका फैब्रिक देर तक लास्ट करे। हाँ, तो बस आपको जरा सा डिप करिए इजी वॉश में, और लंबा फिर तक चलेगा। ठीक है, ये साड़ी मेरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साड़ी है। अच्छा, अमंग यंग गर्ल्स, जो नया नया जिन्होंने ज्वाइन किया है, जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके बीच में, क्योंकि ये बहुत ही एकदम देखेंगे बहुत ही लाइट वेट है। दिखाओ अपने ऊपर पल्लू डाल के, काफी लाइट वेट है सच में, और इसका जो सिल्वरिश कलर है ना, वो बड़ा यूनिक सा लग रहा है, ये जो सिल्वर टोन्स आ रही है इसमें। ये सब आपका हैंडलूम है, दिस इज ऑल हैंडलूम। हाँ, आप देखेंगे ना हैंडलूम की पहचान ही है, जो आपका आगे पैटर्न है, मतलब ये हैंड वोवन ही है, सॉर्ट ऑफ मशीन वर्क नहीं है ये। हाँ, अच्छा, ये आपका पीछे आप देखेंगे ना, आपका ये जो पैटर्न है, सेम पैटर्न पीछे होना चाहिए, बस रिवर्स में होगा। अच्छा, उससे पता चल जाता है कि यस, बैच होता है, तो अलग से आपको यहाँ पे धागे कटे हुए दिखाई दे। अच्छा,
और इसमें भी या तो विद ब्लाउज है, हाँ तो आप सिल्वर भी वैसे मैच कर सकते हैं, या इसका ब्लाउज आप पहना चाहते हैं तो निकालवा के आपका। ठीक है, वैसे मुझे लगता है सिल्वर बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ, और डीप कलर है ना, डीप टोन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं साड़ियों में। ये कोक कलर है, लोग एकदम स्टैंड आउट, हमेशा डिमांड में रहता है ये वाला। अच्छा, सिल्क पे आ जाते हैं जैसे वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका क्या प्राइस है? इट्स ओनली 1700। अच्छा, वेरी नाइस। अनदर वन ऑफ माय फेवरेट कलेक्शन में से जो मुझे लग रहा है, मुझे अच्छी लग रही है बहुत ही वाली। इसमें आप देखिए ये भी बहुत लाइट वेट है। हाँ, ये तो काफी लाइट वेट है, ये लाइट वेट सारी है। और इसमें पता क्या होता है, आपका जो मिस्ट्री क्रिएट होती है ना अराउंड योर टमी एरिया, जो आपकी वेस्ट दिखती है, बड़ी स्वीट सी लगती है वो। देखिए इसका पल्लू देखिए, वाओ सच अ गॉर्जियस पीस। वाओ, और ये इसका, ये आपके बस्ट के ऊपर आएगा ये पोर्शन। इसके साथ में आप कॉन्ट्रा ब्लाउज ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में ब्लाउज नहीं आए। अच्छा, जो आपकी ट्रेडिशनल बांग्ला साड़ियों की मैक्सिमम साड़ी से ब्लाउज नहीं होता, ये बांग्ला साड़ी है। हाँ, ये बांग्ला साड़ी है, ये आपका जामदानी पैटर्न है। अच्छा, पल्लू आपका देखो, पल्लू कितना सुंदर है यार, पिंक एंड येलो, ऐसे ब्राइट कलर्स हो कंट्रास्टिंग ब्लैक बैकग्राउंड पे तो और भी हाईलाइट हो जाती है साड़ी। इसी प्राइस रेंज में एक साड़ी है, सेम प्राइस रेंज, सेम प्राइस रेंज 1700। ये कलर भी बहुत अच्छा है, ग्रीन कलर। ये भी बांग्ला साड़ी है आपकी? अच्छा, हाँ ये बांग्ला साड़ी है। ये भी हैंड वोवन ही है, ये मशीन वर्क नहीं है। सारी सारी मतलब मैक्सिमम साड़ी जो मेरे पास में होगी वो आपको हैंड वोवन। साड़ी को बनाने के लिए आपकी कितने टाइम लगता है, मतलब आप कितनी देर पहले बोलते हो कि मुझे ये वाली कलेक्शन ऑफ साड़ी चाहिए? तो आप ये साड़ी तो फिर भी तैयार हो जाती है, मतलब अगर आप 15-20 डेज में ऑर्डर देते तभी भी हो जाता है, बट कांथे में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मतलब एक मिनिमम मुझे 4-6 महीने का टाइम चाहिए। 9 महीने में भी तैयार हुआ, वो भी दिखाऊंगी मैं। अच्छा, ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। प्रोसेस इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको इतनी ज्यादा कलेक्शन है इनके पास, इन्होंने बोले मैंने बेस्ट ऑफ पीसेस सेव करके रखे हैं। तो ये रहा पल्लू, कितने यूनिक कलर्स हैं यार, जितने भी अभी तक मैं साड़ियां देख रही हूँ उसके बड़े बेस कलर्स और उसके कंट्रास्टिंग कलर्स इतने प्रिटी लग रहे हैं ना, स्टैंड आउट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप ये साड़ी देखिए। अच्छा, इसका पूरा पॉइंट पता है क्या इस वीडियो का, कि आपको घर बैठे हुए साड़ियां ऑर्डर करने की मतलब कोई झंझट ही नहीं, यू डोंट हैव टू गो टू एग्जीबिशंस और एनी ट्रेड फेयर वगैरह, आजकल तो मिलता भी नहीं है। मैं तो पहले ट्रेड फेयर वगैरह जाती थी तो काफ़ी कलेक्शन ढूंढ लेती थी, मिल जाती थी। अब तो घर बैठे होती रीजनेबल साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको ऑर्डर करने पे। ये आपका बेसिक जैसे काथा है ना, कॉटन, ये चंदेरी कॉटन में बना है। हाँ, और इसको फुलकारी काथा भी कहते हैं। अच्छा, आपका आगे देखो फुलकारी। अच्छा, इसका हाँ, इसका वर्क का जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक फुलकारी लुक में है, और ये है लेकिन कांथा, मतलब जो थ्रेड वर्क हुआ होता है वो कांथे क्रॉस स्टिच करके पूरा इसको बनाया गया है। पास से दिखाओ, आप पास से दिखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे फिश टेल हम लोग करते हैं ना। अच्छा, फिश टेल जैसा आपको फीलिंग देगा ये। अच्छा, और ये विद ब्लाउज आती है सारी। हाँ, आपके ब्लाउज में भी आप देखिए इस तरीके का पैटर्न है। हाँ, तो आप इसको आस्तीन पे ले सकते हैं। हाँ, और पूरा 1 मीटर का ब्लाउज रहेगा। हाँ, तो साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना, लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है साड़ी में। ठीक है, और ये इसका प्राइस केवल 2200 है। 2200 ये साड़ी पहनेंगे। अभी देखिए पूजा आ रही है ना। हाँ, तो लोग पागल हो जाते हैं सब कुछ। ये कलर ना आपके फेस पे आता है, मेरी मम्मी कहती है, मेरी मम्मी देख रही होंगी ये वीडियो, वो कहेंगी फेस पे आता है ये कलर, ऐसे कलर्स पिंक पर्पल मूव ये सब कलर बड़े स्वीट लगते हैं। और ये आप पूरे साथ पहन सकते हो। हाँ, मेरी चीज बनी ये कलर के साथ। ये मटेरियल क्या है? सिल्क है? हाँ, ये सिल्क है, बट इट इज नॉट 100% सिल्क। अच्छा, 100% सिल्क नहीं है ये, तो मतलब वो गर्मी नहीं लगेगी अगर आप इस टाइम पे आप पहन सकते हैं, पूरे साल पहन सकते हैं। वैसे भी ज्यादा हम लोग एसी में ही रहते हैं। अब आप इसका व्यू देखिए, ये इसका रिवर्स आप देख रहे हैं। हाँ, कुछ भी आपको नहीं चुभेगा, एकदम बिल्कुल जैसा आप आगे देख रहे हैं ना। हाँ, वैसे ही है। और आप ये सबसे बड़ी बात इसकी है, इसमें आप देखिए छोटी छोटी बूटी है पूरी साड़ी पे। हाँ, और इसमें जो ये वर्क देख रहे हैं ना आप, ये थ्रेड है। अच्छा, सारा ये जरी नहीं है। अच्छा, तो चुभेगा भी नहीं और कभी खराब नहीं होगा, ये ऑल थ्रेड। इसका सारा थ्रेड वर्क है। तो बताओ नीचे कमेंट करके मुझे इनसे कौन सी साड़ी लेनी चाहिए, मेरे पे कौन सी सूट करिए सामने रख के। आप जैसे ये हो गई, इसका प्राइस है 3000 की रेंज की है ये देखिए कसर। ये साड़ी भी ऐसी है जो स्पेसिफिकली शादियों में तो दुल्हन को ज़रूरी हमारे यहाँ देते हैं। अच्छा, बंगाली में। हाँ, इसके बगैर में तो वो तैयार ही नहीं होगा। तसर,
इसमें डुअल टोन आ रही है ना, टर्कोइज एंड ग्रीन, बड़ी अच्छी लग रही है। आप इसको देखिए, ये इसका पन्नू का पोर्शन है और इसकी खासियत क्या है, सिल्वर वर्क है, सिल्वर का वर्क है पूरा, पूरा सिल्वर किया गया है। और आप इसको अगर देखेंगे अंदर से, ये अंदर से आप भाई पैशन हो तो ऐसा हो कि अपना काम पता होना चाहिए एग्जैक्टली, उनको सब कुछ पता है पूरी डिटेल की, क्या मिंट ग्रीन कलर है इसमें, आपका लाइट टोन, आपका आसमानी कलर और पूरा ये देखते हैं बहुत कलर कॉम्बिनेशन, जैसे बहुत डार्क कलर भी आते हैं, लाइट भी आते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसे कलर मेरे पास मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है पेस्टली कलर्स जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्टैंड आउट करते हैं थोड़े से। मतलब आप इसको मैक्सिमम डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि एक फंक्शन में पहनना है किसी, तो फिर डार्क कलर भी अच्छे लगते हैं। जैसे फंक्शन में भी ये हम लोग पहनते हैं तो दोपहर के टाइम में, रात में अगर पहना तो इसे बहुत डार्क डार्क शेड आते हैं, बड़े बड़े पैटर्न, बहुत ऑप्शन होते हैं। ये सब आपका 3500 की रेंज की साड़ी है, इस पर आप काम देखते हैं साड़ी। और यार मैं कहूँगी अगर रेंज थोड़ी सी आपको हायर भी लग रही है ना, तो आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट होती है, साड़ी आपकी कई सालों तक चलती है। इनफैक्ट मेरी एक नानी वाली साड़ी है जो अभी तक मतलब बिल्कुल चल रही है, मेरी सासू माँ की साड़ी है जो मैंने पहनी हुई है, बताओ कितनी सो स्वीट। इसमें तो आपकी वो एक रील वीडियो लूंगी मैं आपकी साड़ी में, ये देखिए इसका पल्लू है, पल्लू रेड कलर का है, तो फॉर लाइक ब्राइडल ब्राइड मतलब जो चूजो पैकिंग करनी है अगर आपको अपने लिए आगे के लिए आप ब्राइड हो और नेक्स्ट आपको कलेक्शन बनानी है, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस। और ये जो कंसेप्ट है ना डिजाइनर साड़ीज का बांग्ला में, तो ये कंसेप्ट बहुत ही पुराना है, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि आपका ये पल्लू हो गया, आपके बस्ट पे ये पोर्शन आया, ये जो दिख रहा है, बट जब आप प्लीज करोगे ना तो प्लीज में आपके ऐसे भी आएगी, अच्छा पूरा लंबी ये छड़ी। अभी ये होने लगा ना कि साड़ी में डिफरेंट पैटर्न आते हैं तो बताते हैं कि नया मॉडर्न डिजाइन है, डिजाइनर पीस है, जबकि ये बांग्ला ट्रेडिशनल में आप देखिए, तो वो मतलब हमारा ही कॉपीड है भैया। ट्रेडिशनल साड़ी आप देखेंगे ना, मतलब मन खुश हो जाता है कि कोई चीज ऐसा नहीं लगता कि छोड़ दो उसे। अच्छा तो ये ऑफिस वेयर टाइप है, अगर आप लेक्चरर हो या आप डेली भी नहीं भी जाते लेकिन आपको कोई ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी जाना है, तो यू कैन वेयर समथिंग लाइक दिस, लाइट कॉटन ब्लॉक प्रिंट विद सटल कलर्स, तो बड़ा अप्रोप्रिएट लगेगा ऐसा। ये मल कॉटन का पीस है, फिर ये आपका लेने पे बना हुआ है, जैसे ऑर्गेनिक लेने। अच्छा और ये सब आप जो देख रहे हैं ना हमारी प्रिंट यहाँ के, जैसे हैंड ब्लॉक, और ये सब विद ब्लाउज आई है। तो ये देखो इसमें भी सिल्वर वर्क है विच लुक्स वेरी यूनिक, क्योंकि साड़ियाँ मोस्टली या तो मतलब जब डेकोरेटेड सॉर्ट ऑफ आती हैं तो उसमें गोल्डन वर्क ज़्यादातर होता है, बट इसमें सिल्वर है एंड लिनन में सिल्वर अच्छा लगता है। मैंने मेरे पास भी एक साड़ी है जिसमें सिल्वर वर्क हुआ हुआ है, और इसका कलर भी बहुत यूनिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, लाइलैक कलर। तो पूरी खोली होती है, तो ऑर्गेन्जा भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ ऑल ओवर, मतलब इनके पास क्या क्या फैब्रिक्स हैं, क्या प्राइस रेंज है, ताकि आप लोगों को जो भी खरीदनी है आपके लिए आसान हो। बाकी आप इनको कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे इमेजेस मंगवा सकते हो, आप देख भी सकते हो इनका इंस्टाग्राम पेज, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी, सारी डिटेल्स लिंक में डालूंगी। तो ऑर्गेन्जा में ये बिग ह्यूज फ्लोरल डिजाइन है, जो अगर आप प्रिंटरेस्ट पे जाओगे ना ऑर्गेन्जा साड़ी लिखोगे आपको सबसे पहले ऐसे वाले प्रिंट्स मिलेंगे, बट ये प्रिंट नहीं है, सामने से पता चल रहा है कि पेंटेड है, मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया था। और इसमें जो बॉर्डर है ना वो भी बड़ा डिफरेंट है, एंडिंग बॉर्डर की मतलब जैसे आपका फेयरवेल आ रहा है और वो सब आ रहे हैं, कुछ फंक्शन आ रहा है आपके कॉलेज में, तो उसके लिए लड़कियों के ऊपर ना शिफॉन, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा ये सब अच्छे लगते हैं। जिसको हैंडलूम से सबसे प्यार है ना वो संभलपुरी है, ये संभलपुरी जो मतलब आपको अगर टेस्ट है ना कॉटन का, हाँ तो संभलपुरी इज वन ऑफ द बेस्ट हैंडलूम्स इन वर्ल्ड वाइड जो है, तो इस पर काम बहुत होता है एक्चुअली। अच्छा इसका जो थ्रेड वर्क होता है सबसे मुश्किल है इसका कलर वाला पोर्शन, इसी वजह से नहीं कॉस्टिंग होती है। अच्छा हाँ, तो इसका क्या कॉस्ट है? इसका कॉस्ट है 2700। अच्छा बट ये साड़ी ऐसी है लॉन्ग लास्टिंग है, आप पूरी जिंदगी इनको पहनेंगे ना खुशी मिलेगा। ठीक है, बस आपको वही देखना है कि आप तो इसको इजी वॉश ही करो। हाँ प्रिफरेबली लोग जो लेते हैं वो ड्राई क्लीन कराते हैं, बट आपको जैसे रेगुलरली पहनना है तो वन टाइम आप ड्राई क्लीन करा के आप रेगुलर वॉश कर लो। ठीक है, तो इसमें स्टार्च हट जाता है, स्टार्च्ड है। हाँ स्टार्च्ड है, हाँ वो आपकी प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको स्टार्च पसंद है, तो स्टार्च हम करवाते हैं इसको, बाकी आपकी मर्जी है। इसको जैसे आप वॉश करेंगे तो ये यूज हो जाएगी। ठीक है, आप करना चाहते हैं करिए, अदरवाइज बहुत सारे लोग नहीं भी करते। ठीक है, आपका प्रेफरेंस है कि आपको कैसे करना। आई जस्ट होप ऑडियो ठीक आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ फॉरगिव करना, क्योंकि
हम एक्चुअली कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, आपको दिखने में क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो आपको आइडिया लगना चाहिए मोर ओवर। अब देखिए ये भी समझ हो रही है, बट इसके आप वर्क देखो, ये लिमिटेड एडिशन कह सकते हैं इस तरह की साड़ी ना। इस पर आप ये पल्लू पोर्शन देखेंगे, इसकी पूरा फेर वर्क है आपका, ये प्रिंट नहीं है, ये सारा इसके ऊपर जो भी आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल छोटी छोटी बूटियाँ जो दिख रही है सब थ्रेड वर्क है। और आपका इसमें भी देखिए आगे देखिए, ये जरी नहीं होता, ये सब थ्रेड होता है, ये सब थ्रेड है, ये सारा थ्रेड है, ये भी बीच में जो हुआ हुआ है। तो बहुत ही यूनिक कलेक्शन है, बहुत ऑथेंटिक कलेक्शन है, एंड वी शुड सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पीपल, क्योंकि ये खत्म होने वाला है। और अगर बोलते हैं ना मेड इन इंडिया, दैट्स व्हाट वी नीड टू से, मेड इन इंडिया थिंग्स। 100% सिल्क साड़ी, ये कांजीवरम नहीं, ये प्योर सिल्क साड़ी है, प्योर सिल्क, प्योर सिल्क प्रिंटेड साड़ी है। इसमें मेरे पास बहुत कलेक्शन है। अच्छा, इसमें कलर्स भी अलग अलग होंगे, थोड़ा पास दिखा दो। ये प्योर सिल्क में, तो इसमें थोड़ी गर्मी लग सकती है, लेकिन ये मोर ओवर लाइक वैसे ही बहुत पतला है भावना। आप ना इसको आप अगर से कितने देखोगे ना, आप इसको कभी भी पहन सकते हो, क्योंकि इतना पतला है ना। हाँ, तो आप इसको कभी भी पहन सकते हो, ठीक है। साड़ी ये मतलब प्रिंट हुआ हुआ है। हाँ हाँ, प्रिंट है। अच्छा, वही ये तो काफी हैवी है, ये मतलब ऑथेंटिक होगी काफी। हाँ, मेजर ये शादी वाली साड़ी है, ये सुपर एक्सपेंसिव भी होगी सर। नहीं बहुत है, 18,000 की साड़ी है, 18,000 की है, बट बहुत हैवी यार, ये ब्राइडल वेयर के लिए काफी एप्ट है। आप इसमें देखोगे ना, हाँ, ये कुछ कुछ पीसेस ही होते हैं जो इतने सुंदर बनते हैं, आपने बहुत साड़ी देखी होगी। हाँ, बट ये साड़ी अपने आप में कमाल की साड़ी है। बहुत मतलब मुझे पता चल रहा है, मैं एक्चुअली ना बनारस गई थी तब मैंने देखी, ब्लाउज है। हाँ, तो क्या कि पूरी साड़ी इतनी हैवी है, तो ब्लाउज आपका प्लेन है। हाँ, और पूरी साड़ी पे इस तरह का जाल का काम है। वाओ, मतलब मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं एक्चुअली बनारस गई थी और मैंने वहाँ पे देखी थी बहुत ही ऑथेंटिक साड़ियाँ, तो एग्जैक्टली वैसी है। उन्होंने मुझे वेट भी करके दिखाया था, मेरी वीडियो में देख सकते हो बनारस वाली। आपका लगभग 1.5 kg के अराउंड होगा। अच्छा, इतना, और फिर डिपेंड करता है, अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा तो वेट बढ़ जाता है उसका। अच्छा, अगेन ये ट्रू जो पैकिंग ब्राइडल वेयर, यू आर सॉर्टेड साड़ी के लिए, चांदनी चौक के धक्के खाने की जरूरत नहीं है साड़ियों के लिए भी। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये आपका दिल्ली आर्ट में ऐसी साड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन 9 महीने का वर्क है पूरा। अच्छा, 9 महीने यार, सीरियसली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा थ्रेड है। हाँ, नहीं पता चल रहा है, और नहीं तो अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो प्रिंट जैसा ही लगता है, इतना फाइन काम है। आप इसको पीछे से देखो, पीछे से दिखाते हैं, देखिए काम की बारीकी देखें। और ये ना, ये सब बहुत पुराने पुराने कलाकार हैं जो ये बना रहे हैं। अच्छा, ये हर कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, और ये सारे काम ना लेडीज करती है। अच्छा, तो वुमेन एम्पावरमेंट आल्सो, हम हर वे में वी आर गोइंग टू हेल्प। एक तो हम साड़ी पहनेंगे, खुश सुंदर लगेंगे, खुश रहेंगे, ऊपर से हम सपोर्ट करेंगे वुमेन को, और एक हैंडलूम भी बचाएंगे अपने इंडिया का। ठीक है, आप लोग सभी चीजें पहनते हैं, बट उसमें आर्टिस्टिक कुछ नहीं होता। आप एक सिंपल साड़ी पहनते हैं, उसमें दिखाई देते हैं कि मेहनत की गई है। सब एक जैसे बनते जा रहे हैं, ज़ारा और H&M पहन के डिफरेंट लगना है, तो ऐसी साड़ियाँ पहनो, क्या मजा आएगा। और फिर फ्लो करो ऐसे, प्रिटी, वेरी प्रिटी। इसको सामने से भी दिखाती हूँ, आगे से वर्क कितना, कितनी बारीकी है, कितनी डिटेलिंग है, कितनी देर लगती होगी एक थ्रेड चलाने में, हम एक सिलाई करने में हम कितनी देर कर देते हैं, एक बटन लगाने में वापस। ये आपका सच में इन्वेस्टमेंट है, इसकी साड़ी की लाइफ भी 100 ईयर प्लस है। अच्छा, ये आपका जो तसर है। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसमें बहुत तरह की क्वालिटी आती है, इज वन ऑफ द बेस्ट तसर, इससे अच्छा तसर नहीं आता। अच्छा, अब उस पर ही काम किया गया, अगर आप ले लेना तो वो कहा बताते ना, दादा ने पोता बदले, वो ही चीज से फिट है। अगर आप अगर लेते हो तो जनरेशन को आप फॉरवर्ड कर सकते हो। और दूसरा, इसमें चमक वाला कोई काम नहीं है, तो आउट ऑफ फैशन का कोई मतलब नहीं है, कभी भी आप पहन सकते हो। ठीक है, तो मेरे को तो मज़ा पता क्या आया कि जो जना जिनको जो सेल कर रहे हैं, जो उसके में पैशन रखते हैं, वो इतना पैशन रखते हैं कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे ये साड़ियाँ बनती होंगी, इसको सेल करने का क्या इंपॉर्टेंस है, आप बाय करके क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, आप कितने सालों ये साड़ियाँ चला सकते हो। इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट, आप 5,000 रुपये ज़ारा पे खर्चते हो, उससे बेटर है कि आप 2,000 रुपये की यहाँ से साड़ी लो, 5,000 की लो, 10,000 की लो, जितने की भी लो, और सालों चलाओ, पास इट ऑन टू योर जनरेशन, दैट्स वॉट वी नीड टू डू फॉर आर इंडिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक
लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और इनसे कॉन्टैक्ट जरूर करना फॉर बेस्ट ऑफ साड़ीज। मैं बता रही हूँ, मैंने टच करके देखा है, मैंने दिल्ली हाट जाके देखा और ट्रेड फेयर जाके देखा हुआ है, बहुत एग्जीबिशन अटेंड करी हैं, साड़ियाँ खरीदने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे जो वहाँ पर मिलता है वो एग्जैक्टली मुझे घर बैठे हुए दिख रहा है। तो यू हैव नो वेयर टू गो, कहीं जाके धक्के खाने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट हर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।